कर्नाटक राज्योत्सव या कन्नड़ दिवस, जिसे कर्नाटक गठन दिवस या कर्नाटक दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 1 नवंबर को मनाया जाता है। ये 1956 का दिन था जब दक्षिण भारत के सभी कन्नड़ भाषा भाषी क्षेत्रों को मिलाकर कर्नाटक राज्य बनाया गया था। 1 नवंबर 2022 मंगलवार को 67वां कर्नाटक राज्योत्सव मनाया जाएगा। कर्नाटक के 67वें राज्योत्सव के अवसर पर आज सोमवार को सुबह 11 बजे गुलबर्गा में जिला कन्नड़ साहित्य परिषद की ओर से 3 दिवसीय पेंटिंग, फोटोग्राफी, ड्राइंग एंड कार्टून एग्जीबिशन आयोजित किया गया, जिसमें 67 आर्टिस्टों की कलाकृतियों की प्रदर्शनी की गई। 3 दिवसीय इस प्रदर्शनी के पहले दिन उद्घाटन समारोह रखा गया। डॉक्टर बीजी पाटिल एमएलसी ने उद्घाटन किया, जबकि विजय कुमार पाटिल तिगल तिप्पी ने अध्यक्षता की। इस अवसर पर शहर कलबुर्गी के प्रसिद्ध आर्टिस्टों बसवराज उपिन, बसवराज एल जाने, मोहम्मद अयाजुद्दीन पटेल, सुब्बैया नीला, राशेखर एस, टी देवेंद्र, प्रकाश गडकर, मंजुला जाने, बाबूराव एच, हाजी मलंग, डॉक्टर रहमान पटेल, शाहिद पाशा, रामगिरी पुलिस पाटिल, सैयद मुस्तफा, रेवना सिद्धप्पा हुट्टी, जितेंद्र कोठालीकर, सभी 67 आर्टिस्टों के अलावा भारी संख्या में कला प्रेमी उपस्थित रहे। इस अवसर पर सभी अतिथियों को यादगार पुस्तकें भेंट किए गए। इस अवसर पर इस आर्ट एग्जीबिशन के क्यूरेटर वो प्रसिद्ध आर्टिस्ट डॉक्टर रहमान पटेल और दूसरों ने संबोधित किया। इस आर्ट एग्जीबिशन के क्यूरेटर वो प्रसिद्ध आर्टिस्ट डॉक्टर रहमान पटेल ने पोएट राइटर आर्टिस्ट वो एंकर मुस्तफा आदिल को ये जानकारी दी। ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆವು ಮತ್ತು ಈಗ ತಾನೇ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೋಡಿ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನೂರಾರು ಜನರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೂರಾರು ಜನರು ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ.